मानसून की तो मध्य प्रदेश में बारिश के दो स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। प्रदेश के 14 जिलों में आपको बता दें तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल, श्योपुर, इसके साथ ही मुरैना और भिंड में अलर्ट जारी। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर की बात करें तो यहां पर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर में भी अलर्ट जारी। तो मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है, लगातार ही यहां पर अलग अलग जिलों में बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। बारिश को लेकर अब मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई शहरों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर में भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी और दो स्ट्रांग सिस्टम दरअसल आपको बता दें एक्टिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। यानी कि 14 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। और इन शहरों की बात करें तो भोपाल, श्योपुर, मुरैना और भिंड भी इन शहरों में शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए इस समय 14 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह से देखें मॉनसून किस तरह से एक्टिव हो चुका है और कितने शहरों पर इसका असर देखने को मिलेगा? गौरव, देखिए बिल्कुल दो नए जो मॉनसून है वो एक्टिव मध्य प्रदेश में हुए हैं और कहीं ना कहीं साइक्लोन ट्रफ की वजह से ये पूरा इफेक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 14 जिले हैं जो इस पूरी ट्रफ लाइन की वजह से इफेक्ट होंगे आज और दो दिन कम से कम यहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग की बात करें और विदिशा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर इसका खासा असर रहेगा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में भी इस ट्रफ लाइन की वजह से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाकौशल की तो महाकौशल क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश इस ट्रफलाइन की वजह से देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम दक्षिण हिस्से की बात करें, खासकर महाकौशल की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे हर बार बारिश अच्छी देखने को मिलती है। और इस बार भी जो ट्रफलाइन मध्य प्रदेश पर बनी है, जो नया सिस्टम बना है, उसका एक अच्छा खासा असर यहां पे देखने को मिलेगा और यहां पे हैवी रेनफॉल की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहां पे भी लगातार बारिश गिर रही है, रुक रुक के हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन अभी जो नया सिस्टम बना है उसकी वजह से लगातार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, चंबल क्षेत्र में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर हालांकि हैवी रेनफॉल नहीं है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी के साथ बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। खासकर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहां पे औसत से कम वर्षा हर साल देखने को मिलती है और इस बार भी औसत के आसपास ही बारिश इस बार रहने वाली है और इसी के चलते जो नया सिस्टम बना है उसका असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आ चुका है और उसके बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, सिवनी की बात करें, तो यहां पे सिस्टम का एक अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और अब एक और बार जब दो नए सिस्टम मध्य प्रदेश में बने हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही क्षेत्र रहने वाले हैं। इसके अलावा मालवा में भी अच्छी खासी संभावना है इस बार बारिश की जताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार काफी अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई थी। पिछले साल कम बारिश की वजह से जल संकट भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, खासकर हम अगर मालवा के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहां पे जल संकट की कुछ संभावनाएं बन गई थी, लेकिन अगर इस बार अच्छी बारिश इन क्षेत्रों में हो जाती है तो कहीं ना कहीं जल संकट से निकलने में काफी आसानी हो जाएगी। अब फिलहाल जो नया सिस्टम बना है इसका असर एक दो दिन रहने वाला है, उसके बाद फिर लगातार बारिश जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और लगातार जो है मध्य प्रदेश में मानसून के चलते नए नए सिस्टम बनते रहेंगे। क्योंकि जून में भी हमने देखा था, जून में जो बारिश मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी वो औसत से कुछ प्रतिशत कम देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जुलाई में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जून का और जुलाई का दोनों का कोटा पूरा हो जाएगा और अगस्त में भी बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं इस वक्त जो है जताई जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र की बात करें या हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें और दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो इस नए सिस्टम की वजह से इन क्षेत्रों के 14 जिलों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। खासकर देखिए अगर मैं जिलों के हिसाब से अगर बात करूं तो यहां पे इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के जो
अन्य जिले हैं जो इन क्षेत्रों के आसपास लगे हैं, यहाँ पे आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल मुरैना की बात करें, विदिशा की बात करें, इसके अलावा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की, दमोह की बात करें, तो यहाँ पे बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी दो जो नए सिस्टम बने हैं उसके अलग अलग असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल खासकर अगर हम इसका देखें तो असर देखने बुंदेलखंड। को मिल सकता है और जिस तरह से यहाँ पर संभावना भी जताई जा रही है, जानकारी दी जा रही है, नजर अपनी बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया गौरव जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र में